अब देखो माइंड टैप के अंदर हमें जब भी आयरन गोलम को स्पॉन करना होगा भाई हमारे दिमाग में बस एक ही रेसिपी आती है ये वाला जो सिंपल सा होता है बस इसके ऊपर कुछ आयरन लगाओ और ये रहा गाइस हमारा आयरन गोलम स्पॉन। बट ये गोलम ना इतना भी पावरफुल नहीं होता कि बेचारा एक वार्डन को पीट सके क्योंकि वार्डन इसकी चटनी बना देगा। तो आज की इस वीडियो में ना भाई हम आयरन गोलम की रेसिपी को चेंज करने वाले हैं क्योंकि आज हम बनाने वाले बहुत सारा खतरनाक सा अजीबोगरीब आयरन गोलम जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाले और इससे फाइट करवाने हैं वार्डन से कि देखते हैं यार कौन सा वार्डन से पीट पाता है। चलो पहला वाला तो यार नॉर्मल सा होने वाला है बस एक एमरल्ड का ब्लॉक एक सोल सैंड और इसके ऊपर एक ये फ्लावर पॉट और ये बन गया हमारा चुटकू ग्रीन कलर का आयरन गोलम। हाँ वैसे छोटा सा है बट अभी आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। चलो अभी इसे पिटवाते हैं इससे और देखते हैं यार कौन जीतने वाला भाई ये वार्डन। अरे नहीं मेरा छोटकू भाई एक बार में पिट गया। कोई बात नहीं मेरे पास अभी और भी है। सो ये रहा एक कॉपर वाला आयरन गोलम सो ये भी स्पॉन हो जा। हाँ उससे थोड़ा सा तो पड़ा है चल बे तू उसे पीट के बदला ले लेना वरना तू भी मत मर जाना। गाइस देखते हैं इस बार कौन जीतने वाला है। और नहीं यार मरना नहीं था तुझे। कोई बात नहीं अभी तो बाकी है गाइस। और ये रहा हमारा मोस्ट पावरफुल नहीं पर छोटा सा है हाँ एक गोल्ड वाला गोलम। ओ इसके हाथ में शॉर्ट भी है भाई क्या बात है। चल बे गोल्ड गोलम भाई तुझे इन दोनों पिद्दियों का बदला लेना है तो यार मार डालना है भाई इस वार्डन के बच्चे को। वैसे देखो तो यार अच्छा खासा काम कर रहा है बट अभी तो शुरुआत है गाइस आगे आगे तू देखते जाओ भाई कैसे कैसे गोलम आने वाले तो देखना गाइस। और ये पिटने वाला है भाई मार दे यार कितनी देर लगाएगा। वैसे बोल तो ये भाई वार्डन से पेटी मार दिया इसने। गाइस माइंड ट्रैप का सबसे बड़ा बॉस भाई वार्डन की चुद्दी पिद्दी ने भाई पीट डाला। वैसे देखो यार देखने में बहुत ज्यादा क्यूट सा है। तो चलो अब नेक्स्ट वाला गोलम बनाते हैं जो कि बनने वाले एक फर्नेस और एक कोल ब्लॉक से। ये भी कुछ ज्यादा है बट हाँ ये गोलम कम थोड़ी मकड़ी वकड़ी ज्यादा लग रहा है ना भाई क्या खतरनाक लग रहा है। देखो ना भाई एक स्पाइडर की तरह देखने को मिल रहा है बट चलो यार नाम गोलम तो है तो चलता है इतना ना। अब इससे भी फाइट कराते एक बार वार्डन से देखते हैं क्या इस वार्डन को इसे पीट पाता है या फिर खुद ही शहीद हो जाएगा इस खेल में। सो चलो बे तुम लोग फाइट करो। यार ये तो एक बार ही मर गया। चलो उम्मीद तो इसे नहीं थी नेक्स्ट वाले करते हैं। वैसे नॉर्मल वाला रेसिपी है बट उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है पता नहीं देखते हैं यार। तो गाइस ये लो ये भी हो चुका है इसके अंदर जिंदा आत्मा आ चुकी है एंड चलो भाई अब दोनों तुम लोग भिड़ जाओ। वैसे देखने में तो ठीक ही ठाक मतलब नॉर्मल सा ही लग रहा है ना भाई इसमें कुछ खास तो है नहीं। कोई बात नहीं चलो यार इन दोनों को फाइट करवा देते हैं और अच्छा खासा फाइट तो हो रहा है बट कौन जीतेगा गाइस मुझे तो नहीं लगता भाई ये जीतने वाला है क्योंकि ये तो नॉर्मल सा यार क्या ही करने वाला है और लगा ही था भाई। चलो अब बनाते हैं भाई अपना बिगेस्ट बड़ा वाला गोलम बॉस जो कि बनने वाला है लैपिस के ब्लॉक से। और ये रहा इसकी रेसिपी कुछ ऐसी एंड ऊपर एक सोल सैंड और ये रहा इसके अंदर जान भूखते हैं और देन ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है भाई क्या इसके सामने ये वार्डन टिक पाएगा। अब यहाँ पर तो साइज में भाई ये गोलम ही बड़ा है बट पावर में बात करें तो वार्डन भी कम नहीं यार बहुत ज्यादा ही पावरफुल है बहुत ज्यादा उसके पास हार्ट होते हैं। तो चलो लड़ो बे तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके सो फाइट शुरू हो चुका है। ये भाई देख रहे हो क्या खतरनाक दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे एक पंच मार दिया ना तो भाई बंदे का काम तमाम हो जाएगा। बट यार ये लोग लड़ रहे हैं नहीं भाई कैसे यार ये गोलम इतना पावरफुल इतना बड़ा वो भी एक वार्डन से हार गया। चलो नेक्स्ट वाला बनाते हैं भाई इससे उम्मीद तो नहीं थी बट क्या कर सकते हैं। और ये भी गाइस सेम होने वाला है बट ये होने वाला है एक रेडस्टोन ब्लॉक से देखते हैं यार ये क्या करने वाला है। और इस भाई देख रहे हो ये दिखने में तो सेम टू सेम वैसा ही बट इसका कलर बस अलग हो चुका है। सो क्या इसके पास वो पावर होगी जो कि इस वार्डन को पीट पाएगा। यार इससे जो तो भाई पिद्दी वाले थे ना जो कोल ब्लॉक से बना था उसने भाई वार्डन को पीट दिया। बट देखते हैं यार अभी खेल खत्म नहीं हुआ है बहुत सारे गोलम भी और भी बचे हुए हैं इनसे भी फिरवाना बाकी है। तो चलो यार तुम लोग लड़ो भाई लड़ते क्यों नहीं हो। ओके हो गया गाइस सुनो फाइट शुरू हो चुका है। गाइस यहाँ पर अगर फिर से हारा ना तो भाई वो अकल मतलब वो कहावत साबित हो जाएगी अकल बड़ी या भैंस। भाई ये भैंस का बच्चा गोलम किसी काम का नहीं है यार सच में। चलो नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं जो कि बनने वाला डायमंड से। यार देख भाई डायमंड एंड आयरन इस बार तुम लोग बेइज्जती मत कर रही हो भाई इतना पावरफुल गोलम पीट रहा है इससे क्या खाएगा भाई। तो गाइस ये भी कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाले एंड ये देखो व्हाट इज दिस भाई ये कौन सा गोलम है भाई इतना बड़ा आयरन का ब्लॉक लेके भाई सीने पे इसके तो फुल सिक्स पैक वगैरह भी है। चलो यहाँ पर तो भाई दो दो वार्डन हमने स्पॉन कर दिए थे बट भाई एक को भी तो पीट पाया ना तो भाई तू मोस्ट पावरफुल होने वाला है। बट क्या यार ये भी अकल वाली या भैंस वाली बात हो गई ये इतना बड़ा भैंस भाई। अरे नहीं घोंचू बंदा भाई कैसा गोलम है ये इतनी बड़ी गोलम।
चलो इससे भी हैवी बनाने वाला हूँ भाई, इस बार भाई नहीं छोड़ने वाला। एंड इस बार हम बनाएंगे गाइस गोल्ड प्लस डायमंड प्लस नेदरराइट, सब कुछ मिक्स करके बनाने वाला हूँ। एंड देखते हैं भाई इस बार तो कैसे नहीं जीतने वाला। तो इसका रेसिपी थोड़ा सा अलग होने वाला है, खतरनाक सा डायमंड गोल्ड और नेदरराइट ब्लॉक का। वैसे देखो यार तुमने शायद ऐसे रेसिपी कभी यूज करके बनाए नहीं होगे। सो गोलम बनाने के बहुत सारे खतरनाक से रेसिपी है और ये रहा इसका मेन रेसिपी। बस यहाँ पर एक डायमंड और बीच में एक नेदरराइट का ब्लॉक, सो ये रहा। एंड ऊपर में एक सोल सैंड कुछ ऐसे। एंड अब डालते इसके अंदर जान, तभी तो ये जिंदा होगा ना। सो इसके लिए इसके अंदर आत्मा डालनी जरूरी है भाई। सो ये रहा हमारा इसके अंदर आत्मा। और ये व्हाट गाइस, ये तो तीनों बॉक्स भाई, मतलब मैंने तीनों मिक्स कर बनाया था बट ये तो पूरा का पूरा नेदरराइट का बन गया और खतरनाक दिख भी रहा भाई नेदरराइट गोलम। ये तो पक्का भाई इस बटन को पीटने वाला है। चलो यार देखते हैं इस बार कौन जीतने वाला है। तुम्हें क्या लगता है गाइस, क्या इस वार्डन बच्चे को पीट पाएगा ये गोलम? चलो फाइनली भाई इन दोनों फाइट भी शुरू हो चुका है। एंड मार, अरे लेकिन नहीं गाइस, ओ ये लावा कहाँ, अबे ये गोलम कौन सा भाई, ये लावा भी फेंकता है क्या? अरे यार ये तो खतरनाक गोलम भाई। बट मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा है यार, इससे भी अक्ल वाली बस भैंस बड़ी है भाई, इसके पास भेजा हुआ कुछ भी नहीं है। ये इसे मार रहा है बस, डैमेज हो ही नहीं रहा है। हाँ लावा फेंकता है भाई चारों तरफ से, बट क्या फायदा यार, इस वार्डन को तो लावा से भी नहीं जला सकते, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और बस इसका हेल्थ घटाया जा रहा है, लेकिन वार्डन को अभी तक एक पंच भी नहीं पड़ा भाई। नहीं यार, अगर इतने सारे हमारे गोलम हार गए ना भाई, वो ऐसे एक छोटा वाला पिद्दी गोल्ड वाला ही ठीक था यार। इससे अच्छा तो यार उसने कम से कम एक बार वार्डन को पीट तो दिया था ना। बट ये देखो गधे साले भाई, लड़ रो लेकिन मार नहीं पा रहे। लगभग भाई हमारे गोलम का तो आधा से ज्यादा हेल्थ जा चुका है। और ये देखो सोनिक वेव से अटैक कर रहा है, प्लस भाई उसे पीटे भी जा रहा है। गया भाई ये गोलम भी हमारे पास गया लगता है। एंड ये सबसे ज्यादा पावरफुल गोलम था भाई, अगर ये नहीं जीत पाया तो बाकी का क्या कर सकते हैं भाई, बाकी तो और भी जीतने वाले हैं नहीं। और लो जो सोचा था भाई वही हुआ, ये भी पिट गया। एक मिनट, अगर मैं सारे गोलम को एक बार भी स्पॉन कर दूं एक वार्डन के सामने तो भाई मजा आएगा। जस्ट वेट करते हैं गाइस, एक एक करके ये ले भाई ये दूसरा एंड चौथा। गाइस ये छोटा वाला तो मार सकता था आई थिंक, बट चलो देखते हैं कौन इसमें से जीतने वाला है। एंड सभी के सभी हमने यहाँ पर स्पॉन कर दिए। और एक लास्ट ये बिग बड़ा मॉन्स्टर भाई, ये देखो। अरे नहीं, अबे अबे कैसे गोला में, ये खुद से ही लड़के मर रहे हैं भाई, ये देखो। और मेरा जो छोटा वाला हथियार था वो भी गया भाई गोल, उससे एक उम्मीद थी यार वो गोलम को मार सकता है, मतलब इस वार्डन के बच्चे को, बट इन लोगों ने उसे ही मार दिया भाई। और ये लोग इसने लावा उगलना भी शुरू कर दिया और बेचारे दो भाई जल के ही मर जाएंगे। और इसमें भी जीतने वाला है बस ये वार्डन का बच्चा ही। सारे के सारे गधे निकले भाई, ये खुद से लड़के मर जा रहे हैं भाई, क्या वार्डन को मारेंगे ये लोग? एक मिनट, जब इस वार्डन को भाई ये नहीं मार सकता मतलब, तो मैं तो इसे मार सकता हूँ इस गोल। ओ अभी इसके पास कौन कौन सी एबिलिटी है भाई, ये मुझसे आग भी फेंक रहा है फायर बोल, और ये इसके अंदर ब्लेजरोड की पावर भी है क्या यार? ये तब तो नहीं फेंक रहा था जब भाई वो वार्डन से लड़ रहा था। और ये देखो मुझे मारने के लिए भाई, मैं ही नहीं छोड़ूंगा यार, जब तुझे वार्डन पीट सकता तो मैं भी पीट सकता हूँ ना। आजा बेटे आज तुझे टपकाई डाल। सो चलो गाइस भाई ये फाइट तो पता नहीं यार कैसा रहा, कुछ अजीब सा भैंस बड़ी अकल बड़ी या भैंस वाली बात हो गई यहाँ पे। तो चलो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना भाई, इन जैसे सब्सक्राइबर होने बस थोड़े से बचे हुए यार तो करा देना यार, देखो यार कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।